इंग्लिश मीडियम में मैं पहले दूसरी बुक से सब चैप्टर दो तक करा चुका भाई। इंग्लिश मीडियम 11th क्लास में पुराना जो सिलेबस था उसकी बुक से मैंने चैप्टर दो रिलेशनल फंक्शन तक हो गया था। जब नई बुक आई है तो फिर दोबारा से नई से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, पहले कर चुके आप सेट, इसलिए दोबारा रिवाइज करें सेट्स। सबसे पहले सेट की डेफिनेशन, ए वेल डिफाइंड, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स इज कॉल्ड सेट। और भी और दूसरी पर और इसको दूसरे टाइप से कह सकते हैं, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये है सेट की डेफिनेशन है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। और एग्जाम्पल के लिए इसके एग्जाम्पल, वेल डिफाइंड का मतलब है जिसके बारे में कहते हैं निश्चित रूप से इसमें होगी और नॉट, श्योर होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट लाइन कलेक्शन और नॉट। तो ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट और सेट ऑफ ए डेज इन ए फर्स्ट सेकेंड है, ए सेट ऑफ डेज इन ए वीक इन ए वीक which name start J। अब ये बिल्कुल वेल डिफाइन है, ये इंग्लिश अल्फाबेट या बॉबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट वेल डिफाइन होगा, ये भी वेल डिफाइन है, डेज इन ए वीक, नेम स्टार्ट विद एस, संडे सैटरडे, ये आ जाएंगे इसमें। वीक के डे की बात हो रही है तो कौन कौन से आएंगे, संडे सैटरडे इसमें होंगे, और इसमें होगा इंग्लिश अल्फाबेट के 26 लेटर्स। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और नंबर्स इज कॉल्ड सेट। सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट इन टू टाइप्स, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मेथड्स टू रिप्रेजेंट ऑफ सेट। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन फॉर्म, और सेकेंड सेट बिल्डर फॉर्म, फॉर्म किसी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, एक तो है सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड है टेबुलर
टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, और दूसरा सेट बिल्डर, BUI है भाई, सेट टेबुलर फॉर्म। दो तरीके से, जैसे कलेक्शन ए सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर विच नेम स्टार्ट जे, तो इसका रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म नाम देंगे कैपिटल लेटर से, ए जनवरी जुलाई एंड जून। देखिए कौन क्या सेट रोस्टर फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट के बीच में एलिमेंट्स को विद कॉमा के, तो ए सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर विच स्टार्ट, विच स्टार्ट विच नेम स्टार्ट जे, तो महीने कौन से जिनका स्टार्ट हो रहा नाम जे से, जनवरी जुलाई एंड जून। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म, और ये कहलाते हैं इसके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिटर्न इन ए कर्ली ब्रैकेट इन ए रोस्टर फॉर्म, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स यानी ऑब्जेक्ट ऑफ सेट्स रिटर्न इन ए कर्ली ब्रैकेट विद कॉमास, किसी भी ऑब्जेक्ट की एलिमेंट की रिपीटेशन नहीं होगा, रिपीटेशन नॉट अलाउ। फॉर एग्जाम्पल इसका फर्स्ट हुआ है तो रोस्टर फॉर्म, इसका सेट बिल्डर फॉर्म देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म सेट ए, एक्स रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ सेट ए, एक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये एक्स इज नेम ऑफ मंथ, एक्स इज नेम ऑफ मंथ स्टार्ट विद जी, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ईयर के मंथ हैं जिनका नाम जे से स्टार्ट हो रहा है, तो रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट विद कॉमास। और एक और एग्जांपल देखिए, सेट ऑफ लेटर ऑफ लुक, तो रोस्टर फॉर्म क्या हो गया इसका, ए कौन कौन सा लेटर है, एल ओ के, कोई नंबर रिपीट नहीं होता है, एलिमेंट दो बार आ रहा है तो उसको भी एक बार लिखना, नो रिपीटेशन नॉट अलाउ। और सेट रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ए, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड लुक, लुक लेटर का जो वर्ड है उसका सेट है वो कहलाएगा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो सेट रिप्रेजेंट इन टू टाइप, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो एक्स है बाई की तरह लिखते हैं, उसको डिटेल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एक्स है जी मंथ ऑफ ईयर विच स्टार्ट जी, और एक्स इज ए नेम इज लेटर ऑफ बर्ड लुक किसी भी, तो टेबुलेशन फॉर्म कर्ली ब्रैकेट के साथ कॉमा, और नॉट रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड अलाउड इन रोस्टर फॉर्म। कुछ स्पेशल टाइप्स के वो है रिलेशन, क्या नाम, सेट्स, स्पेशल सेट्स, स्पेशल सेट्स
नंबर वन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, विच स्टार इज नेम इज रिप्रेजेंट बाई कैपिटल एन, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट. सेकेंड सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो, होल नंबर्स W0, 1, 2, 3 ... एंड थर्ड सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, दिस इज रिप्रेजेंट बाय जेड, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इज सेट ऑफ इंटीजर्स. एंड फोर्थ है सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विच इज रिप्रेजेंट बाई क्यू, एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो. और फिफ्थ इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स इसको अपन आई से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू रूट ए वेयर ए इज प्राइम नंबर, ए इज प्राइम नंबर, ए इज प्राइम, तो रूट ए इज ए इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सेट हो गया. अब सेट ऑफ रियल नंबर सबको मिला दिया जाए, सिक्स सेट ऑफ रियल नंबर, आर इसमें सारे आ जाएंगे नेचुरल नंबर होल नंबर्स, तो एक तरह से रैशनल इरेशनल, क्यू यूनियन आई, रैशनल इरेशनल मिलके क्या बनेंगे रियल नंबर. एंड सेवन है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट बाय सी, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1, इट इज इमेजिनरी नंबर. आयोटा इज ए इमेजिनरी नंबर, इट्स वैल्यू इज अंडर रूट -1, इट्स वैल्यू इज अंडर रूट -1. ये स्पेशल सेट्स हैं, इनको इसी फॉर्म में नाम याद रखना है, नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स रैशनल इरेशनल सेट ऑफ रियल नंबर एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. आयोटा इज इमेजिनरी नंबर. और नेक्स्ट आगे करेंगे सी के आगे, कल कंटिन्यू करेंगे. आप लोग भी बुक खरीद लेना इंग्लिश मीडियम वाले, नया वो आया है आपका सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग शुरू किया दोबारा, ये पहले हम कर चुके थे, अब दोबारा स्टार्ट किया आपके लिए. ओके.